Dear students, today we are going to learn 4.2 English, Molloy's Cathony. ये Molloy's Cathony एक बहुत ही सुंदर पात्र है. इसके बारे में आप इस पाठ में जानेंगे. Molloy's Cathony कौन था और उसने क्या काम किया, कितना महान काम उसने किया अपने जीवन में. ठीक है, आई एम रीडिंग नाउ. One day in the terrible summer season in 1979 changed the life of Jadhav Paying. He lived in a small village on the bank of the Brahmaputra. The Brahmaputra is a great river in places. It is more than 7-8 kilometers wide. It has many sandbars and even an island known as Majuli's Island. Waters of the Brahmaputra often flood Majuli and the sandbars. At time, the river even sweeps away some of the sandbars. इसका मतलब ये है बच्चों, one day, एक दिन की बात है. टेरेबल समर, बहुत खतरनाक गर्मी थी और सीजन, गर्मी की सीजन थी 1979 में. चेंज द लाइफ ऑफ जाधव पयांगे. जाधव पेंग नाम का एक आदमी था, उसके लाइफ में ये चेंज हुआ. ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहता था. ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे. द ब्रह्मपुत्रा इज ए ग्रेट रिवर, ब्रह्मपुत्रा एक बहुत बड़ी नदी है. इन प्लेस इट इज मोर देन 7-8 किलोमीटर्स वाइड, ये कहीं कहीं पे 7-8 किलोमीटर चौड़ी है. इट हैज़ मैनी सैंड बार्स, इसमें बहुत सारे सैंड बार्स, सैंड बार्स मीन्स बालू के बहुत बड़े रेत के मैदान टाइप के, डेल्टा टाइप के हैं. एंड इवन एन आइसलैंड नोन एज माजुली आइसलैंड, उसमें आइसलैंड भी है जिसको मोजुली आइसलैंड बोलते हैं. वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ऑफन फ्लड माजुली एंड द सैंडवार, उसका पानी ब्रह्मपुत्रा का ऑफन फ्लड, बाढ़ के रूप में माजुली एंड सैंडवार्स तक बहुत फैल जाता है. At a time, the river even sweep away some of the sandbar. At the time, कभी कभी ऐसा समय होता है, the river even sweeps away some of the sandbar. और बहुत सारे sandbars पर दूर तक बिखर जाती है, फैल जाती है. ठीक है, When Jadhav was about 15 years old, जब जाधव 15 वर्ष का था, वॉज द टेरेबल साइट, बहुत भयानक उसने देखा. ऑन वन ऑफ द सैंड बार थाउजेंड्स ऑफ स्नैक्स लेडेड, एक सैंड बार पे, टापू जैसा था सैंड बार, थाउजेंड्स ऑफ स्नैक्स लेडेड, हजारों सर्फ मर गए. जब वो 15 वर्ष था तभी उसने देखा कि उसी सैंड बार्स पे हजारों सर्प एक साथ मरे पाए उसने देखे. दे हैड बीन वॉस्ड अशोर विद द फ्लड, दे हैड बीन वॉस्ड अशोर विद द फ्लड विथ नो ट्रीज नो प्रोटेक्ट देम, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रीज नहीं थे, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, सांपों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला और इसलिए वो मारे गए. दे हैड ऑल डाइड इन द स्कैल्डिंग सन, माने वो दे हैड बीन वॉस्ड अशोर फ्लड विथ नो ट्रीज प्रोटेक्ट देम, दे हैड ऑल डाइड इन द स्कैल्डिंग सन. जाधव वॉज सिंपली हरीड हॉरी, जाधव को बहुत ही तकलीफ हुआ, दुख हुआ. ही सैट डाउन एंड वेप्ट, वो बैठ गया और रोने लगा.
देयर एंड देन ही फाउंड हिज मिशन। यहीं से उसका मिशन, उसने अपना मिशन ढूंढ लिया। टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विथ ट्रीज। उस सैंडी बालूमय बालुकामय रेतीले मैदान में बैरन लैंड ग्रीन विथ ट्रीज उसने प्रण किया कि आज हम इसको ग्रीन ट्रीज यहाँ उगाएंगे। फॉर मोर देन 30 लॉन्ग ईयर्स 30 वर्ष हो गए जाधव पाइंग टॉयल्ड ऑन द ड्राई बैरन एरिया एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू द फॉरेस्ट। 30 वर्ष से ज़्यादा हुए कि जाधव ने उस एरिया को ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फॉरेस्ट जंगल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट किया, जंगल बना दिया। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को उगा करके वहाँ पर हरियाली ला दिया। अभी देखिए, जाधव पेंग्स फैमिली एंड फ्रेंड कॉल्ड हिम मोलाई। जाधव के फैमिली वाले और उसके दोस्त उसको मोलाई बोलते थे। एट फर्स्ट मोलाई वर्कड इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज। फॉर सम रीजन दैट वर्क स्टॉप्ड ऑल द अदर लेबरर्स लेफ्ट बट नॉट मोलाई। ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ। ही वेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड द एल्डर्स इन हिज विलेज। देखो उसने क्या किया बच्चों, उसके परिवार वाले दोस्त उसको मोलाई बोलते थे। एट फर्स्ट मोलाई वर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पहले वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मोलाई काम करता था। स्कीम टू प्लांट ट्रीज और ट्रीज को प्लांट करने की स्कीम बनाता था, प्लान करता था। फॉर सम रीजन दैट वर्क स्टॉप्ड, कुछ कारणों से उसका काम रुक गया था। ऑल द अदर लेबर्स लेफ्ट, दूसरे कर्मचारी उसके साथ जो थे काम करने वाले उससे छूट गए, दूर हो गए। बट नॉट मोलाई, लेकिन मोलाई ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाई हिमसेल्फ, उसने ये निश्चय किया कि मैं खुद ही ये काम करूँगा। ही वेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के पास गया। एंड द एल्डर्स इन हिज विलेज, और उसके विलेज के बड़े लोगों से मिला। मोलाई नथिंग ग्रोज ऑन ए सैंड बार्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, मैनी ऑफ देम एडवाइस्ड। मैनी ऑफ देम एडवाइस्ड, बहुत सारे लोग उनमें से उसको एडवाइस किए, राय दिए। किसको? मोलाई को। नथिंग ग्रो ऑन द सैंड बार, डोंट वेस्ट योर टाइम, इस सैंड बार पर कुछ भी उगने वाला नहीं है और अपना समय बर्बाद मत करो, ऐसा लोगों ने उसको सलाह दिया। बट समवन टोल्ड हिम टू ट्राई ग्रोइंग बाम्बू, लेकिन किसी के नहीं, लोगों ने उसको बाम्बू लगाने की सलाह दी। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल गेव हिम सम सैपलिंग्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने कुछ उसको राय दिया वहाँ सैपलिंग्स लगाए जाए। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग मोलाई वेंट टू द आइसलैंड एंड प्लांटेड हिज फर्स्ट ट्री केयरफुली। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह सुबह मोलाई वेंट टू द आइसलैंड, मोलाई उस आइसलैंड पर जाता है। एंड प्लांटेड हिज फर्स्ट ट्री केयरफुली, और अपना पहला पेड़ वहाँ पर बहुत सावधानी से लगाता है। आफ्टर दैट ही विजिटेड द आइसलैंड एवरी डे, उसके बाद वो आइसलैंड पे डेली जाने लगा, ठीक है, प्रतिदिन। आफ्टर दैट ही विजिटेड द आइसलैंड एवरी डे वाटरिंग एंड टेंडिंग द प्लांट्स विथ लव, बहुत प्यार से उन पौधों को पानी देता था, उनकी सेवा करता था। द प्लांट्स बिगेन टू ग्रो, पौधे बढ़ने लगे। विथ देम मोलाइज होप आल्सो ग्रू, साथ साथ मोलाई का सपना भी पल रहा था, उसका जो सपना उसने देखा था वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ही बिगेन टू लुक फॉर मोर सैपलिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ ट्री, वहाँ पर सैपलिंग के और दूसरे पेड़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो गए। ही ब्रॉट सिल्क कॉटन सैपलिंग्स नेक्स्ट, उसने सिल्क कॉटन सैपलिंग भी वहाँ लगाया। टू हिज डिलाइट दे टुक रूट ऑन द आइसलैंड, टू हिज डिलाइट दे टुक रूट
ऑन द आइसलैंड, पार्ट ऑफ द आइसलैंड वॉज नाउ डॉटेड विथ ग्रीन। आज वो आइसलैंड एकदम ग्रीनरी से भर गया है, हरियाली छा गई वहाँ पर। मोलाई नाउ स्पेंड ऑल हिज टाइम ऑन द स्मॉल आइसलैंड। अब वो अपना समय उसी छोटे से आइसलैंड पे बिताने लगा। एवरी डे रोज विदाउट फेल बिना रुके ही वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को पानी देना। मेड फेंसेस, चारों तरफ फेंस बनाना, बाड़ बनाना। अराउंड देम गिव सपोर्ट टू द सैपलिंग्स, सैपलिंग्स के पौधों को सपोर्ट करना, सपोर्ट देना जिसके सहारे वो बड़े हों। ही इवन कैरीड गुड सॉइल इन हिज लिटिल पॉट एंड स्प्रेड इट नियर द प्लांट्स। ही इवन कैरीड, वो लाया वहाँ से ढो करके गुड सॉइल, अच्छी मिट्टी, इन हिज लिटिल बोट, अपनी छोटी नाव में, एंड स्प्रेड द नियर द प्लांट्स, और प्लांट्स के आसपास बिखेर दिया। माने उस सैंड बार पे जिसमें पौधे नहीं उग सकते थे, उस टापू पर, उस सैंड बार पे ला करके उसने दूर से अपनी छोटी सी नाव के द्वारा दूसरी मिट्टी ला करके वहाँ पर बिखेरा उसने, और फिर पौधों के जड़ों के पास उस मिट्टी को डाला। समवन टोल्ड हिम दैट रेड आंट आर गुड फॉर द सॉयल। किसी ने उसको बताया कि जो लाल चींटियाँ होती हैं वो मिट्टी को चाल देती हैं, बहुत भुरभुरी बना देती हैं, और वो लाल चींटियाँ, उसी ने बताया कि सॉयल के लिए, मिट्टी के लिए सबसे अच्छी लाल चींटियाँ होती हैं। समवन टोल्ड हिम द रेड आंट आर गुड फॉर द सॉयल, मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दे वुड मेक द सैंडी सॉयल फर्टाइल, वो सैंडी सॉयल को भी, बालू को भी फर्टाइल, उपजाऊ बना देती हैं। मोलाई देन कैरीड हीप्स ऑफ देम टू द आइसलैंड, ऐसी मिट्टियों के ढेर जिसमें चींटियाँ रहती थी वो उस आइसलैंड पे ले गया। ही वॉज नॉट पुट आउट बाई द आंट बाइट्स, उसको जरा भी डर नहीं लगा कि चींटियाँ उसको काटेंगी। ही ऑल्सो टुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस देयर, तरह तरह की और घासों को वहाँ ले गया। ही ग्रीन पैचेज ऑन द आइसलैंड बिकम थिकर एंड बिगर, ग्रीन पैचेज माने परत जो ग्रीन घासों की थी वो ले जा करके वहाँ उसने ऊपर से बिछा दिया। फॉर मंथ्स एंड ईयर मोलाई वर्कड ऑल एलान इन द स्मॉल पैच ऑफ द आइसलैंड, अकेले ही मोलाई उस आइसलैंड पे काम कर रहा था। ही लिव्ड इन ए कंपनी ऑफ ट्रीज, वह उन पेड़ों की कंपनी के साथ साथ और जीने लगा, अपना जीवन यापन करने लगा। ही स्पोक टू देम, वह उनसे बातें करता था, पौधों से, पेड़ों से। मे बी द ट्रीज अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज, और वो पौधे उसकी बातों को समझते थे। हिज वर्ड्स ऑफ अफेक्शन दे रिस्पॉन्डेड बाई ग्रोइंग विग्रोसली, माने ऐसा वर्ड जैसे लगता था कि पौधों से बातें कर रहा है और पौधे भी उससे बातें कर रहे हैं। दे रिस्पॉन्डेड बाई ग्रोइंग, और पौधे बढ़ करके उसका रिस्पॉन्ड कर रहे थे। विग्रोसली माने बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही सुखता थे, पौधे उससे बातें करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे पौधे उससे बातें कर रहे हैं और वो भी पौधों में एकदम रमजम गया है। आगे देखिए, विथ ट्रीज केम बर्ड, विथ ट्रीज केम बर्ड इंसेक्ट्स एंड एनिमल दे लाइक द प्लेस। विथ ट्रीज पेड़ों के साथ केम बर्ड्स, बर्ड्स बहुत चिड़ियाँ रहने लगी, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स रहने लगे कीड़े, एंड एनिमल्स और जानवर लाइक द प्लेस, उस प्लेस को लाइक करने लगे। अननोइंगली दे ब्रॉट मेनी मोर सीड्स टू द प्लेस, बहुत सारे ऐसे बिना बोए हुए उग जाने वाले पौधे वहाँ उगने लगे और सीड्स टू प्लेस, उस जगह पे बीज बिखेरे। द प्लेस बिगन टू गेट रिच विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ,
वहाँ पर एक विभिन्न तरह का जीवन शुरू हो गया। इवन देन मोलाई डिड नॉट अबैंडन हिज वर्क। मोलाई अपने काम को निरंतरता जारी रखना चाहता था। द फॉरेस्ट नाउ बिकेम ए सेकेंड होम फॉर हिम। वो फॉरेस्ट उसका एक दूसरा घर बन गया। पीपल इन दैट एरिया नेम्ड इट मोलाई कथोनी। उस एरिया के पीपल उसको मोलाई कथोनी के नाम से जानने लगे। मोलाई फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट को मोलाइज का फॉरेस्ट कहने लगे। टुडे मोलाइज कथोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 1500 एकर्स। आज वो मोलाई का गार्डन 1500 एकर्स में फैला है। एंड विच मोलाइज एफोर्ट्स इट इज ग्रोइंग एवरी डे। ये मोलाई की देन थी, फर्ज था कि वो रोज के रोज बढ़ रहे हैं। इट हाउसेज थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग डियर एप्स एंड इवन राइनोस एंड टाइगर्स। माने ये सब जानवर। इट हाउसेज थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज, हजारों तरह के वहाँ पेड़। एंड प्लांट्स पौधे, बर्ड्स चिड़ियाँ, एनिमल जानवर इंक्लूडिंग डियर भालू, एप्स बंदर एंड इवन राइनोस एंड टाइगर। राइनोस और टाइगर सबके वो घर, वो फॉरेस्ट वो सबका घर बन गया, और वो घर इन जानवरों का शेल्टर बन गया। इसको बोलते हैं उसकी मेहनत। इतनी मेहनत से उसने वो जंगल खड़ा किया, और वो जंगल में ये सारे जानवरों का घर बन गया। ठीक है। टू कैप इट ऑल, ये सबको कैप मैंने सुरक्षा देता था। ए हर्ड अप अबाउट 100 एलिफेंट्स, 100 हाथियाँ, हैज स्टार्टेड विजिटिंग द फॉरेस्ट एवरी ईयर। 100 हाथियाँ उसके जो जंगल में एवरी ईयर हर साल आते थे विजिट के लिए, टहलने घूमने के लिए। दे स्टे देयर फॉर अबाउट 3 months, वहाँ वो 3 महीने तक रहते थे। द एलिफेंट विजिट्स सो दैट द होल फॉरेस्ट इज इन वेरी गुड हेल्थ। किसी भी जंगल में हाथियों का आना, ये इससे ये सिद्ध होता है कि वो जंगल का हेल्थ बहुत अच्छा है। माने हाथी वहीं जाते हैं जहाँ अच्छा रहता है, अच्छा परिवेश उनको मिलता है, जहाँ जंगल का अच्छा शेल्टर होता है, वहाँ चारे होते हैं, तमाम चीज़ें उनकी सुविधाओं के मुहैया होते हैं, वहाँ पर हाथी जाते हैं। तो द एलिफेंट विजिट शोज दैट, एलिफेंट का आना वहाँ ये बताता था कि होल फॉरेस्ट इज़ वेरी गुड हेल्थ, पूरे फॉरेस्ट का बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, फॉरेस्ट बहुत अच्छा है। मोलाई इज ए हैप्पी मैन टुडे, मोलाई आज बहुत प्रसन्न आदमी है। ऑल दिस वॉज नॉट जस्ट स्मूथ सेलिंग। Apart from the hardships Molai had to suffer on the Iceland, working there in heavy rains and scorching heat, he had to face opposition from the people too. He never thought of stealing from his forest, but other did the had to guard his Iceland against poachers. When people wanted to cut down the trees, he stood up in their defense like a rock. You will have to cut me before you cut the trees, he warned. अभी देखिए। All this was not just a smooth sailing. सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल रहा था। Apart from the hardship Molai हैड टू सफ़र ऑन आइसलैंड, उस बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी वहाँ उसको करना पड़ा। वर्किंग देयर इज ए हैवी रेन्स, बहुत कड़ाके की बारिश, बहुत तेज बारिश का सामना करना पड़ा। एंड स्कॉर्चिंग हीट, गर्मी का। ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्राम द पीपल, लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा उसको। टू द नेवर थाट आप स्टीलिंग फ्राम हिज फॉरेस्ट, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा स्टीलिंग फ्राम हिज फॉरेस्ट,
उसके जंगल को कोई चोरी करेगा, चुराएगा, बट अदर्स डिड, लेकिन ये सब चीज़ें भी उसको झेलनी पड़ी वहाँ। ही हैड टू गार्ड हिज आइसलैंड अगेंस्ट पोचर्स, उसने चोरों से रक्षा करने के लिए वहाँ गार्ड्स भी तैनात किए। व्हेन पीपल वांटेड टू कट डाउन द ट्रीज, जब लोग पेड़ों को काटना चाहते थे, ही स्टूड अप इन दियर डिफेंस लाइक ए रॉक, वो एक पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह उनके सामने खड़े हो जाते थे। यू विल हैव टू कट मी, अगर आप मुझे काटेंगे, बिफोर यू कट द ट्रीज, आप मुझे पहले काटिए फिर ट्रीज को काटिए। वी ही वार्न्ड, और वो ऐसा वार्न करते थे, सूचना देते थे, वार्निंग देते थे। व्हेन द एलिफेंट केम दे कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज ऑन द वे, जब हाथी आते थे तो बहुत सारी चीज़ों को तोड़ डालते थे, डैमेज कर देते थे ऑन द वे, रास्ते में। दे डिस्ट्रॉयड द राइस फील्ड एंड हट्स, वो राइस फील्ड माने चावल की खेती, चावल के खेत में नुकसान करते थे, एंड हट्स और झोपड़ी तोड़ देते थे। इवन मोलाइज ऊन हट वॉज डिस्ट्रॉयड, मोलाई का खुद का झोपड़ी हाथियों ने तोड़ दिया। पीपल वॉन्टेड टू बीट अप मोलाई बिकॉज इट वॉज हिज फॉरेस्ट दैट इन्वाइटेड टू द एलिफेंट, लोग वॉन्टेड टू बीट अप मोलाइज, लोग मोलाई को मारना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि इट वॉज हिज फॉरेस्ट, या मोलाई का जंगल था, दैट इन्वाइटेड द एलिफेंट, जिससे हाथी वहाँ आया करते थे, इसलिए मोलाई को कसूरवार मानते थे कि मोलाई के जंगल के कारण ही हाथी यहाँ आते हैं और हमको नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए वो मोलाई का विरोध करते थे। मोलाई वाज नॉट अफ्रेड, मोलाई को डर नहीं लगा। ही वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट ए ग्रीन कवर फॉर द लैंड, मोलाई डरे नहीं। ही वाज फर्म हिज रिजॉल्व टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट ए ग्रीन कवर फॉर द लैंड, उस लैंड पर वो ग्रीन कवर उन्होंने बिछा दिया था इस तरह से मेहनत के द्वारा। इन द एंड मोस्ट पीपल लेफ्ट द एरिया, अंत में बहुत सारे लोग वो एरिया छोड़कर चले गए। दे शिफ्टेड द विलेज टू मेक वे फॉर द एलिफेंट, और वे अपने विलेज में, गांव में शिफ्ट हो गए, मेक वे, और हाथियों के आने का रास्ता दे दिए, आने जाने का, ठीक है। तो इस प्रकार से, अरे देखिए ये, मोलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग, मोलाई के पास खुद का अपना भी कुछ कैटल थे, जानवर थे। लकली ही हैज़ फुल सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली, और उसको अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता था। दे हेल्प हिम इन हिज वर्क, वो उसके काम में मदद करते थे, इन ऑल पॉसिबल वेज, हर तरीके से। मोलाई चिल्ड्रेन विल कैरी ऑन हिज वर्क, मोलाई के बच्चे भी उसके काम में उसकी मदद करते थे। पीपल आउटसाइड मोलाइज ओन ट्राइब डिडंट नो अबाउट मोलाइज वर्क, पीपल आउटसाइड मोलाइज ओन ट्राइब डिड नॉट नो अबाउट मोलाइज वर्क, पीपल जो बाहर के थे वो मोलाई के विषय में, इतना काम के विषय में नहीं जानते थे। वन डे, एक दिन, ए फोटोग्राफर रोमिंग इन दैट एरिया, रोमिंग मीन्स दूसरे प्रदेश से या दूसरे कहीं दूर से, ए फोटोग्राफर हियर रोमिंग इन दैट एरिया, एक फोटोग्राफर बाहर से कोई आया उस एरिया में, फाउंड मोलाई वर्किंग इन हिज फॉरेस्ट, और देखा मोलाई अपने जंगल में काम कर रहे थे, एंड गार्डिंग इट, और उसकी सुरक्षा कर रहे थे। When he came to know that Molai had grown the forest single handling, माने वो देखा कि मोलाई ने अकेले ही इतने बड़े जंगल को संभाल रखा है, सुरक्षा दी है। He was greatly impressed, वो उस काम से बहुत ही ज़्यादा impressed हुए, impressed होना माने बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ा, प्रभाव पड़ा उसका। He told the media, उन्होंने मीडिया को बताया, न्यूज़पेपर्स में दिए, टीवी चैनल्स पे दिए,
टीवी चैनल पे दिया अबाउट मोलाइज सिंगल हैंडेड अचीवमेंट। ये मोलाई का सिंगल हैंडेड अचीवमेंट यानी खुद के हाथों का अचीवमेंट था। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इम्प्रेस्ड टू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस काम से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। द डिसाइडेड टू हेल्प मोलाई इन हिज वर्क, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको मोलाई के इस काम में उसका मदद करने की सोचा। द गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद द पद्मश्री अवार्ड, गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, मोलाई इज नाउ वांट टू स्प्रेड हिज मैसेज थॉट द कंट्री। मोलाई नाउ वांट टू स्प्रेड, मोलाई अब चाहता था स्प्रेड फैलाने के लिए हिज मैसेज अपने संदेश को थॉट द कंट्री पूरे देश में। ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एनी ग्रो एट लीस्ट टू ट्रीज, ईच वन ऑफ अस हम में से सभी लोग शुड प्लांट पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, ग्रो उगाएं एट लीस्ट टू ट्रीज, दो ट्रीज दो वृक्ष अवश्य लगाएं। द ट्रीज विल टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ, माने द ट्रीज विल टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। वी प्रोड्यूस थ्रू आउट आवर एयर लाइफ आवर लाइफ एंड गिव अस इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और पेड़ हमें सांस लेने के लिए इनफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आर यू रेडी टू हेल्प, क्या आप इसके लिए रेडी हैं। तो इस तरह से मोलाई ने लोगों को संदेश दिया कि दो दो वृक्ष सब लोग एवरी पर्सन लगाए, और इस तरह से ये पार्ट्स ख़त्म हुआ। इसका एक्सरसाइज के लिए मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। थैंक यू।